अस्सलाम वालेकुम बच्चे लोग, कैसे बेटा? सबको नमस्ते, सबको सलाम। मैं बोली थोड़ा सा क्रंच कर रही थी तो चलो वीडियो बना देते। ये देखो हाफ रोस्टेड। और बेटा मेरे को मालूम है, आप लोग को मेरा स्टॉक का बेसब्री से इंतज़ार है। हमारे सेलर का कल फ़ोन आया था, उन्होंने कल भेजा है, 2-3 दिन में आ जाएगा बेटा। कल भेजा है या सुबह भेजा है कन्फर्म नहीं है, पर उन्होंने भेज दिया। ठीक है, मंडे मंगल तक आ जाएगा। ओके, मैं स्टॉक वीडियो डाल दूँगी, देख लेना। और बेटा आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के फजलों करम से ऊपर वाले के करम से मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है बेटा, फिर भी मैंने वो गोनी रखी थी, देखे ना, वो गोनी बंद करके पैक करके अच्छी गोनी में फुल रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, नॉन रोस्टेड, ब्लैक होल के पाउडर मैंने जो क्लीन करी थी वो सब डाल के रखी थी। मैं सोची कचरे वाला लेके चलाएगा, पर वो नहीं लेके गया, तो आज मैंने बताई सुबह। अल्लाह, काफ़ी बच्चे मेरे को मैसेज किए, किसी को उसमें से पाउडर चाहिए सिर्फ, किसी को उसमें से छोटे से ऐसे ऐसे साइज के क्रम्बल चाहिए। बेटा अभी तो पूरा दिन निकल गया, मैं कल आप लोग के बोलने से कल क्लीन करूँगी। एक बच्ची का 5 किलो का पाउडर है, मैं पूछी भी बच्ची को क्या करेगी, बोले आंटी जो भी है पैसा लो और दे दो। ठीक है बेटा, मैं कल क्लीन करके देती हूँ। वैसे तो मैंने फेंकने रखी थी और वो साफ़ सुथरा क्योंकि बल्क में था, वैसे ही है। और आपने देखे, हम लोग सोसाइटी में रहते, बिल्डिंग में रहते, फ्लैट में रहते, तो हमारे इधर ऊपर कुछ गंदगी नहीं, कुछ नहीं। रोज़ पैसेज में झाड़ू पोछा ये वो होता है, और वो मैं रखी थी। और भी बच्चे मांगे बोल के मैंने वो बोरी अंदर ली हूँ घर पे। ठीक है, और चलो कर दे क्रंच। सब बच्चे पूछते हैं आपको कौन सा पसंद है, मेरे को हाफ रोस्टेड पसंद है। ठीक है, और पिंक। मेरी कैट ना बेटा चैन से मुझे वीडियो बनाने नहीं देते लोग। दिख रहा आपको हाफ रोस्ट? आज मैंने दोपहर में भी पिंक नकुमन रहती खा ली थी, पर वीडियो नहीं बनाई। मेरी क्ले ना बेटा बिल्कुल कड़वी नहीं है, और जिन्होंने ख़रीदा उनको भी मालूम है, सिर्फ एक रंडी को छोड़ के। एक रंडी है ना जो ख़रीदी थी, जो कड़वा कड़वा बोली दूसरी रंडी के बाद जाके, सिर्फ वो रंडी को छोड़ के। या अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी रात के 9 बज रहे।
और अंडी जब मैं आपको क्रैम ब्रांच वाली बोलती, मेरे को ना लगता वो क्रैम ब्रांच वाली, वो धंधे वाली क्रैम ब्रांच वाली होती ना, पढ़ी लिखी औरत होती ना, तो अभी जो उसने हरकत की ना, चीप हरकत, वो नहीं करती। मैं खा ली, ख़त्म। और सुनो, अभी 9 बज रहा है, जस्ट 5-10 मिनट पहले वो क्रम ब्रांच वाली रंडी का मैसेज आया, और बहुत अच्छा करी इसने मैसेज भेजी मेरे को, बहुत बहुत अच्छा करी इसने। मैं मैसेज का पूरा रखूँगी स्क्रीनशॉट मार के, और जब यूज़ करना है करूँगी। क्या बोलती मालूम मेरे को, मेरा नाम लेना छोड़ दे, नहीं तो तेरे को इतने कमेंट्स कराऊंगी, इतने गालियों के कमेंट्स कराऊंगी, तेरा गालियों से कमेंट भर जाएगा। अभी मैं सब रंडी लोग को बोल रही हूँ, जो जो रंडी लोग, जो भड़वे लोग मेरे पीछे पड़े ना, सबको मैं बोल रही हूँ, जो मेरे पीछे पड़े उनको, हाँ दूसरों को नहीं। ठीक है, पहली बात मैं किसी से डरती नहीं, दूसरी तीसरी बात कोई भी झाटू, कोई भी छिनाल या कोई भी भड़वा या पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कोई भी मेरे को बोलेगा मेरे को, मेरे से माफ़ी मांग, तो ये ले, ये ना ये सर, सर कट जाएगा पर माफ़ी नहीं मांगूंगी किसी से। दूसरी बात समझ में आ गई, ठीक है। और तीसरी बात, ये जो क्राइम ब्रांच वाली रंडी बटली फुटानी झूठ झूठ बोली तुम्हारा है, अभी मेरे को एकदम बोलती, मैं बोली कड़वा है ना ये, बोली मेरा नाम लेना बनकर ये बनकर, तो अच्छा हो गया उसको उसका नाम मालूम पड़ गया कि रंडी मैं इसी को बोल रही। मैं तो सोची थी कि इसका नाम कुछ और है, इसके माँ बाप ने रखे रहेंगे, पर इसने ऐप से मतलब एक्सेप्ट कर ली अभी मेरे को मैसेज भेज के कि इसका नाम रंडी है, तो इसलिए तो मेरे को मैसेज करी। अभी बोलती बार बार मेरा नाम मत, तो तेरा चैनल ब्लॉक कर दूंगी, दो बात बोल दी, दो तीन बात मैं बोल दी, चौथी बात ये झाट का चैनल है ना, जो झाट का चैनल जो चल रहा है, मेरे झाट को है ना, मेरे झाट को नीचे के, ठीक है, गंदे अल्फाज से समझेंगी ना, गंदे रंडी लोग, इसलिए गंदे अल्फाज से समझा रही हूँ। मेरे झाट को है ना फ़र्क नहीं पड़ता चैनल उड़ने से, क्योंकि 600-700 कस्टमरों के नंबर मेरे मोबाइल में है, जो मुझे मेरा चैनल भी नहीं देखते, डायरेक्ट आके पूछते आंटी नकुमेंट आया, आंटी नकुमेंट आया, आंटी नकुमेंट आया। तो मेरे को अभी ऐसा बोली, बहुत अच्छा करी, मैंने सब रखी हूँ मैसेज रखूँगी रंडी के, और शुरू से लेकर अभी तक का मैसेज है, ठीक है। नहीं तो मेरी आदत बहुत है, मैं क्या करती, कस्टमर के पार्सल मिलते तो मैसेज डिलीट कर देती, पर यह रंडी का नहीं करी। और ये रंडी देखो इतनी डरपोक है, क्या करती है ना, पहले भी अभी मेरे को बीच में तेरा नकुमेंट ऐसा वैसा बोल के ब्लॉक करी थी, फिर अभी वापस से ब्लॉक खोल के मेरे को ऐसा मैसेज लिख के बातें सुना के तेरा चैनल बंद करा दूंगी, और क्या तेरे को इतना तेरे कमेंट्स में गालियों से भर दूंगी ना लोगों को, नंबर तेरा देके के तू सोचेगी बोले। तीसरी चौथी बात, मेरे को गाली कोई ऐरा गहरा नत्तू खरा कोई भी कहीं से भी बैठ के गाली देगा तो क्या इसका मतलब क्या, वाकई मेरे को चिपक जा रही, बिंदास दे बिंदास, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ मेरे को मेरा बिजनेस करने का, मेरा बिजनेस करूँगी, और तुम जैसे फालतू रंडियों के लिए ना मैं मेरे हज़ारों बायर्स लोग के दिल नहीं तोड़ूंगी, ठीक है। गाली क्या, गाली देके क्या फ़ायदा रे, गाली देके क्या फ़ायदा, रंडी छिनाल लोग, मेरे को पूछो ना एड्रेस, मेरा एड्रेस है रंडी लोग के पास, जो है ना रंडी लोग, बहुत रंडी जिससे मंगाई थी मैं, वो रंडी के पास मेरा एड्रेस है, एड्रेस लेके आ जा घर पे, आ जा गाली वहाँ से, तू दे मैं दे, तू दे मैं दे, क्या रे गाली गाली खेल रहे क्या हम लोग, कोई बच्चे है हुँ? मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानती, गाली देना ही देना, मुकाबला करना, जो भी छिनाल जो भी भड़वा जिसका भी लड़ और छूत बहुत उछल रही है ना, मुकाबला करो सामने सामने, फ़ोन पे नहीं बोलने का, फ़ोन पे बोलेंगे ना मैं समझूंगी एक नंबर के गांड फट्टू है तुम लोग, फ़ोन पे बकवास करेंगे ना वीडियो बना के मैं सोचूंगी एक नंबर के गांड फट्टू है, ठीक है, गांड फट्टू लो करके दिखाओ। और ये चैनल है ना उसको परवाह है उड़ने की, जो पैसे की भूखी हो, जो भिखारी रंडी हो,
जिसको ऐसा लगे यूट्यूब से पैसा मिले। और मेरे को तो अच्छी तरीके से पता है ये मिट्टी के इसमें पैसे भी नहीं मिलते, मिट्टी के चैनल पे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता। कभी तुम लोग ने सुने कोई सेलर को पैसा चालू हुआ कुछ हुआ? नहीं, नहीं मिलता। ये सिर्फ स्टॉक वीडियो डालने के लिए एक चैनल है, ठीक है। और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ये सड़ा चैनल, मैं खुद बोल रही हूँ सड़ा चैनल मेरा उड़ जाए तो, मेरे को धमकी दी है ली बोलती चैनल उड़ा दूँगी। कल करने वाली आज कर, कल करने वाली आज कर, मैं बोली ना मेरे झाट को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, चैनल उड़ने से। मैं चिंदी चोर नहीं हूँ, मेरा चैनल उड़ गया, ऐसा हो गया, मैं एक्सक्यूज़ देते बैठूँ लोगों को, दूसरा चैनल बनाऊँ? नहीं बनाऊँगी मैं चैनल। मेरे बच्चे लोगों को सबको मेरा नंबर मालूम है, 7045871233, ये नंबर मेरा लिख के रखो बेटा। किसी को भी कुछ भी स्टॉक चाहिए, चैनल नहीं भी दिखाना, आप आके मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं स्टॉक वीडियो आपको भेज दूँगी। आपको जो चाहिए आप मुझे बता देना, सिंपल सी बात। ये लोग का पढ़े लिखे बोलते अपने आप को रंडी लोग, दो टके की, एक तो क्राइम ब्रांच से आ जा रही है, कहाँ से आ जा रही है, एक 12वीं फेल म्युनिसिपैलिटी में पढ़ने वाली, कहाँ से कौन कौन उठ के आ रहा रे बाबा। खाली बोलो मत, वीडियो पे बोलो मत, भको मत, माफ़ी लंड ले, लंड माफ़ी देती, माफ़ी हट, माफ़ी, अरे बाप रे बाप, किसको बोल दी रे माफ़ी मांगने के लिए? मेरे को माफ़ी की वीडियो मैं बनाऊँ माफ़ी की वीडियो? सामने आएगा ना, जो माँ की छूत से बाहर आई थी ना, वही छूत में घुसा दूंगी मैं। माफ़ी बोलते माफ़ी, आज तक मेरे माँ बाप से माफ़ी नहीं मांगी, आज तक मेरे हस्बैंड से नहीं मांगी, और कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ दुनिया में जिससे मैं झुक जाऊँ या जिससे मैं माफ़ी मांगी। कौन रे तू, दो टके की औरत, कामना पूर्ता बढ़ जाती, लाइफ आई, वीडियो है, लाइफ है, नहीं ये टाइम जाके चैनल चेक करो, एक भी बार मेरा लाइफ का वीडियो नहीं है, ठीक है। और एक क्राइम ब्रांच वाली रंडी, मेरे कमेंट्स तू गाली से भर, मेरे कमेंट्स तू अपनी रंडी पने से भर, या तो अपने धंधे पने से भर, या वो धंधे वाली मिस कैरेज के साथ जाके उसकी माँ से उसकी माँ छुदा, ठीक है, उसके मर्द के साथ तू सो जा और तेरे मर्द के साथ उसको सुला दे, ठीक है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ मेरे बिजनेस से फ़र्क है, जो बिजनेस मैं यूट्यूब बंद होने के बाद भी कर सकती हूँ। और मेरे बच्चे लोग, अरे मेरे बच्चे लोग बोलती तो वो भी गाने जब रिची नाल लोग की। मेरे बच्चे लोग कैसे, मेरे YouTube के बच्चे लोग को अच्छा लगता है मैं ऐसा बोलती हूँ, बस हो गया मेरे लिए। और मैं शुरू से बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि शुरू में कुछ और बाद में कुछ और, नहीं, मैं शुरू से जब से चैनल खोली जब से बोलती हूँ, मेरे बच्चे लोग, आंटी को आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, और आधी रात को भी मैं फ़ोन उठाती, बच्चे लोग, मेरे बच्चे लोग बोलूँगी, मेरे से बड़े जो है उम्र में उनको भी मैं यही बोलती, मेरे से जो छोटे उनको भी यही बोलती हूँ। बड़ा चूल उठ रही ना, चल हट, पाँच ही महीना हुआ बन करके, यहाँ सालों सालों बनाते, उनका उड़ जाता चैनल, और उनका उड़ा देता है यूट्यूब ना, उड़ा देता है चैनल, हाथ लग के ना, हाथ लग के उंगली लग के नहीं उड़ता है चैनल, ठीक है। बोलते ना सबको अनपढ़ जाहिल समझ के रखी है मिस कैरेज। क्यूटीज, दो ऑप्शन आया था, गलत ऑप्शन में हाथ लग गया, तेरी चूत में हाथ चला गया रहेगा उस टाइम, तेरे आदमी का चूत के तेरे खड्डे में चला गया रहेगा, लड़के जगह उंगली डाल दिया रहेगा उसने, ठीक है। मेरे को धमकी नहीं देने का किसी के बाप से नहीं डरती। मैं क्या बोली, मेरे पैदा करेले माँ बाप से मैं नहीं डरी, मेरे हस्बैंड से नहीं डरी, मेरे किसी से नहीं डरी, कोई मायका लाल से मैं नहीं डरती। चैनल बनाने का जितना जो रंडी को, जो छिनाल को, जो धंधे वाली को, जो टॉप की रंडियों को मेरे नाम का चैनल बनाना है, मेरे नाम का वीडियो बनाना है, मेरे नाम का कुछ भी गाना है, बिंदास गाओ, आई डोंट केयर। मेरे को सिर्फ मेरे बिजनेस पे फोकस करना है भाई, लाखों रुपया लगाई हूँ भाई बिजनेस पे, बिजनेस करूँगी, तुम जैसी दो टके की रंडियों के पीछे क्यों पड़ूँ मैं, बिजनेस खराब करूँ मेरा? नहीं, सुन लिया ना बेटा, यूट्यूब गया भूसड़े में भाड़ में, मेरा नंबर है ना आप लोग के पास, नंबर देख के, नंबर लिख के रखो, ठीक है, 7045871233 लिख के रखो। यूट्यूब पे अगर मेरा चैनल नहीं दिखा, डायरेक्ट आप लोग कॉल कर सकते हो मुझे, ओके बेटा, चलो अल्लाह हाफिज। और हाँ, एक क्राइम ब्रांच वाली रंडी, छपड़ी रंडी, क्राइम ब्रांच से बोल रही हूँ, क्राइम ब्रांच ले रहे नहीं सुधरती, अभी मेरे को धमकी दे के गई ना तू, मेरा नाम नहीं लो ना दोबारा, तो रो चैनल बंद करा दूँगी। अरे जल्दी बंद कराए पनौती चैनल, मैं तो छाती बंद करा, चला हट, टाइम भी बच जाएगा मेरा, जो थोड़ा बहुत टाइम देती हूँ ना बच्चे लोग को, कम से कम वो बच्चों का मुंह तो बनवाएगा,
नहीं तो चैनल है बोल के लोग बोलते हैं आंटी वीडियो बनाओ आंटी वीडियो बनाओ। नहीं मैं ऐसे भी अगर मेरे बायर्स लोग से जो अच्छे हैं ना उनको बात करना होगा ना तो वीडियो कॉल में भी मैं व्हाट्सएप पे बात कर सकती हूँ। यूट्यूब बंद कराएगी? बंद करा, व्हाट्सएप बंद कराएगी? तेरी छूत में है दम? हाँ मेरा व्हाट्सएप बंद कराएगी, मेरा व्हाट्सएप चैट बंद कराएगी? नहीं नहीं बंद करा सकती रे तू। एक धंधे वाली क्राइम ब्रांच वाली दूसरे धंधे वाली के पास जाके कुटर पुटर कर रही, और एक तीसरी भी आ गई, अब एक चौथा दलाल भी आ गई, इन तीनों का दलाल भी है। ठीक है नहीं इस परवाह, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। यास्मीन नाम ऐसी नहीं रखी मेरी माँ ने, बहुत सोच समझ के रखी। यास्मीन का क्या मीनिंग है ना जाके देख लेना। ठीक है चलो बेटा अल्लाह हाफिज़। और मेरा स्टॉक आएगा जब? देखो अभी भी मैं बोल रही मेरा स्टॉक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है बेटा अल्लाह हाफिज़। चलो स्टॉक आएगा मैं खुद वीडियो डालूँगी, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते आप लोग। रात के एक एक बच्चे वीडियो करते, एक एक बजे दो दो बजे तक मैसेज करते, मुझे कॉल भी करते। ठीक है चलो बेटा, मेरे मोहल्ले के नीचे बहुत कुत्ते भौंक रहे, जरा उनको जाके शांत कराती हूँ डंडा लेके जाके। ठीक है बेटा, आवाज़ आ रही है कुत्तों की? हाँ कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, डंडा लेके जा रही हूँ बराबर डालने पीछे से। ठीक है चलो अल्लाह हाफिज़।